यस या नो? यस सर। ओके चले, अभी हम जो स्टार्ट करने वाला है वो एक्चुअली सी लैंग्वेज का मैं आज इंट्रो करवा दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट एरे, एरे का मीनिंग क्या है एक्चुअली होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एरे? बोलो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एरे? एरे का मीनिंग क्या होता है? याद है आपको एरे का मीनिंग? जिसे हमने सी लैंग्वेज के अंदर बेसिक डेटा टाइप लर्न किया था। बेसिक डेटा टाइप्स कौन से होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? कौन तीन होते हैं, फ्लोट से कौन से? बोलो, तीन होते हैं, कौन से कौन से? बोलो, फ्लोट इंट कैरेक्टर। जिसे आपको पूछा गया बेसिक डेटा टाइप कौन सा है, तो आपका आंसर क्या था? इंटीजर। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटीजर? 0 to 9, अरे वैल्यू। सॉरी, बोलो, इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है उसके अंदर कंपलसरी कैसा नंबर आना चाहिए? वॉल नंबर 10 आ सकता है, उसके अंदर -10 आ सकता है, राइट है? तो फ्लॉट के अंदर क्या होता है? फ्लॉट के अंदर बोलो, पॉइंट पॉइंट वाइज वैल्यू, जैसे एग्जांपल 10.10 कॉमा 20.22 हो सकते हैं। यहां पर भी नेगेटिव एज वेल एज दोनों ऑप्शन हो, पॉजिटिव। उसके बाद कैरेक्टर के अंदर क्या होता है बोलो? सिंगल कोट के अंदर जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टर। एक्ट लिखे, ऐसा कुछ हमने पहले लर्न किया था। कि किसका डेटा टाइप की मैं बात कर रहा हूँ? सी लैंग्वेज के बेसिक डेटा टाइप्स हैं। अभी देखो अच्छी तरह समझना, मुझको कोई वेरिएबल लेना है, तो ये पॉइंट समझते जाना, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा। ओके, इससे तो हम, चलो हम काम करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसा बोला था, मुझको सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीजर एक्स लिखता था, याद है आपको? तो बाद हम एक्स इक्वल टू 10 डाल सकते थे। ऐसे ही मुझको वापस थ्री वेरिएबल लेना है, इंटीजर वाई डिक्लेयर करना है। अभी देखो आपको हेल्प चाहिए क्योंकि हम फर्स्ट टाइम तो नहीं लर्न कर रहे, राइट? और उसके अंदर भी यस मैं सर। 10 डाल रहा हूं और इंटीजर जेड एंटर कर रहा हूं, और जेड की वैल्यू मैं वापस 20 डाल रहा हूं। ओके, ये थ्री लाइन मुझको नहीं लिखना हो, ये थ्री लाइन नहीं लिखना है, तो उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूं? याद है आपको सी लैंग्वेज में उसको ये सबको मुझको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना हो, प्रोग्राम कैसे सॉर्ट करना है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ था। ये तीनों तीन को मुझको सिंगल लाइन में लिखना हो तो क्या कैसे परफॉर्म करूंगा कर्ली इसको? ब्रैकेट में लिखे ना, यस, कर्ली ब्रैकेट में कैसे है? पर आप हेल्प करो तो मैं समझ में आने लगे। एरे का कंसेप्ट अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ, वो एक्स वाले कर्ली ब्रैकेट में 10, ट्वेंटी यस राइट है। और देखो मैं इन केस करता तो मैं कैसे ये सबको परफॉर्म करता? देखो ऐसा है, मैं उसके और मैं ये सब लाइन को लेस करने के लिए मैं कैसे लिख देता? और मैं ऐसे लिखता, इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और सेमीकोलन, ऐसा लिखता। ये यस थ्री सर। वेरिएबल मैंने 1, 2 एंड 3 को मैंने डिक्लेयर किया, इसकी जगह पर मैंने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये राइट है कि रॉन्ग है? ऐसा मैं लिख सकता हूं ना, सिंटेक्स राइट है, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। और नेक्स्ट लाइन में भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इक्वल टू 10 कॉमा वाई इक्वल टू 10 कॉमा जेड इक्वल टू 10। एक्चुअली यहां पे कॉमा नहीं आता, सेमी कॉलन आता, क्योंकि लाइन एंड हो चुका है। इसके अलावा मुझको और में लिखना हो तो, इसके और में भी लिखना हो तो बोलो क्या करेंगे? इसके अलावा और में लिखना हो तो, अभी दिमाग लड़ा हो तो क्या
कैसे करेंगे? तो तो आप सारा वापस, वो कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, यस, नहीं, टेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तो कोमा होगा ही नहीं, अभी अभी भी आप नहीं समझ रहे हो, मैं एक्चुअली समझाना चाहता हूँ। ये एक वेरिएबल, मैं बेसिक डेटा टाइप के अंदर जो प्रोग्रामिंग करता था उसके अंदर मैं ऐसा सब प्रोसेसिंग करता था। ओके, ये एक्चुअली है तो सब एक ही मेथड्स है सबका, किसी का एरर नहीं आएगा। अभी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, ओके, कॉमा वाई इक्वल टू 10, कॉमा जेड इक्वल टू 20, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये भी एक्चुअली राइट ही है, तीनों तीन मैंने काम किया। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलो, तीनों तीन ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। ये मैंने इंटीजर का अलग अलग वैरायटी, ये कितनी लाइन में मैंने लिखा है, कितनी लाइन में लिखा है, 6 लाइन में लिखा है, उसको मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, 2 लाइन के अंदर। ये भी एक्चुअली राइट ही है, इनकेस वो नहीं लिखना हो तो ये भी राइट है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ में आया आपको? ओके, यस सर, अभी एक्चुअली हमने एक नया डेटा टाइप लर्न किया, ये तो आपका अभी ऑलरेडी कंसेप्ट लर्न कर चुके हो, इसके अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको अभी जो समझाना चाहता हूँ, हम क्या कौन सा पॉइंट समझ रहे हैं, एरे। एरे एक ऐसा डेटा टाइप है, उसको बोला जाता है कंपोजिट डेटा टाइप, ओके, अदरवाइज डिराइव्ड। डिराइव्ड का मीनिंग क्या है, मुझको एक ही नाम का, ये तो ठीक है मैंने 3 वेरिएबल लिया, ऐसे मुझको 1000 वेरिएबल लेना हो तो मुझको कितना सारा ये सब डिक्लेयर करना पड़ता है, टाइम, मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना। ये तो ठीक है 3 वेरिएबल था तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये 3 हो तो ऐसे डिक्लेयर कर दूं। बट इन केस मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझको ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, और मुझको इसको सिंगल लाइन में, और भी इसको सिंगल लाइन में खत्म करना है, और मुझको 100 वेरिएबल स्टोर करना है, अच्छी तरह समझना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीजर, देखना अच्छी तरह, इंटीजर एक्स ब्रेकेट के अंदर मैं डायरेक्टली क्या लिख दू, 3 इक्वल टू सिंगल लाइन में 10, 20, 30 और कर्ली ब्रेकेट ओवर और सेमी कॉलन। ये है एरे, और ये था बेसिक डेटा। पर एरे का मीनिंग क्या मैंने बोला, अभी इसका मीनिंग क्या होता है, उसके पीछे एक्चुअली होता है क्या है, मैं इतना लिख दूंगा, ये कंसेप्ट को एरे बोलते हैं। एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लाना कंपलसरी है। अभी आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं इतना लिख दूंगा तो कंप्यूटर उसका मीनिंग क्या समझेगा, उसके अंदर इंटीजर इसका ऐसा मीनिंग होता है, एक्स ब्रैकेट के अंदर 0, आपको ये लिखना नहीं है, ये तो मैं कंप्यूटर, आपको इतना ही लिखना है, आपको ये लिखोगे पर कंप्यूटर उसके उसके अंदर का समझेगा क्या, एक्स 0 की वैल्यू 10, इंटीजर एक्स 1 की वैल्यू वो क्या कर देगा, अगेन 20, वो ऑटोमेटिक समझ लेता है, और इंटीजर एक्स 2 की वैल्यू क्या बन जाती है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते जाओ, 30। ओके, तीनों तीन में क्या डिफरेंट है देखो, तो ये मैं एक लाइन से लिख देता हूं, ये 10 की, मैं आपको बोलूं व्हाट्स योर रोल नंबर, तो आप बोलोगे सर मेरा रोल नंबर 1 है, दूसरे का रोल नंबर 2 है, मैं आपके नाम से बुलाऊं या रोल नंबर से बुलाऊं, हो तो एक ही ना, मैं अभी ये 10 को बुलाना चाहता हूं, ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स 0, तो मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। मैं ये 20 को बुलाना चाहता हूं, तो उसको बुलाने के लिए मैं क्या करूंगा, x1, तो आएगा कौन सा, 20 आएगा। मैं 30 को लिखूं तो x2, ये एक्चुअली अगेन समझा दूं, ये आपको करना कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर समझ लेता है, उसका सीक्वेंस फिक्स कर देता है, आपको इतना ही लिखना है, ये ओनली फॉर समझने के लिए। अभी इसको, ये कंसेप्ट को बोला जाता है एरे। ओके, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबका डेटा टाइप क्या है, ऑटोमेटिकली क्या बन गया, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, सबका नाम देखो एक्स एक्स एक्स, बट उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1 एंड 2, समझ में आ रहा है आपको अभी, यस या नो, वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? यस सर, ओके, चलिए।
तो कहने का मेन पर्पज यहाँ से आपको ध्यान रखना है, और ये कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, अभी अच्छी तरह समझना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। इसके बाद समझ में आया, अभी बेसिक डेटा टाइप आपके लिए 3 था, ये हमने आगे वाले कंसेप्ट के अंदर स्टडी किया। अभी हम यहाँ से एरे समझ रहे हैं, ओके। अभी मैं उसकी थ्योरी स्टार्ट करता हूँ, देखना अभी एक एक पॉइंट एक एक वर्ड क्लैरिफाई करते जाना। वी हैव यूज ओनली फॉर बेसिक डेटा टाइप्स, जैसे अभी स्टूडेंट इन्फॉर्म किया इंटीजर फ्लॉट एंड कैरेक्टर, वो हमने यूज कर चुके हैं, ओके। कौन सा है देखो, यहाँ पे लिखा है सबकी साइज थी, इंटीजर की साइज कितनी थी बोलो? 4, फ्लॉट का 4, सिक्स कैरेक्टर का और डबल का वो आप आइडेंटिफाई करो अभी, ओके। आगे वाला चैप्टर्स जो है उसको रिकॉल करके एक बार यूज कर सको, तभी समझ में आएगा। और वो डबल टाइम का देखो, 8 है, डबल का कितना होगा 8, कैरेक्टर का, कैरेक्टर का 1, वन, ओके। तो 4, 4, 1, 8 है, ये सब कैसे डेटा टाइप थे? बेसिक डेटा टाइप थे, बट एरे ना कुछ अलग है। देखिए यहाँ पे, दिस टाइप्स ऑफ द वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट द टाइम। हम एट द टाइम कितनी वैल्यू उसको दे सकते हैं? मैं यहाँ पे एक्स को एक ही वैल्यू दे सकता हूँ, वाई को एक ही वैल्यू दे सकता हूँ, जेड को एक ही वैल्यू दे सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, X3 को कितनी वैल्यू दे दी मैंने, एक साथ 3 वैल्यू दे दी। समझ में आया आपकी आपको? अभी अभी एक एक थियरी का एक एक वर्ड का यहाँ पे कंसेप्ट बाइफर्केशन कराओ। टू प्रोसेस वन वैल्यू वी नीड वन वेरिएबल इन द प्रोग्राम। अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया वो नॉर्मल था, ओके। जैसे 5 डिफरेंट वैल्यूज है तो आपको कितनी बार उसको डिक्लेयर करना पड़ता है? 5 टाइम। अभी ये तो मैंने आपको बोला लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा हो तो कितने सारे प्रोग्राम होता है, तो इसको हैंडल करना हमारे लिए इजी नहीं है। इसके लिए सी लैंग्वेज ने एक सपोर्ट करने के लिए कौन सा डेटा टाइप बनाया? एरे टाइप का डेटा टाइप से बनाया। अभी नाउ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एरे, तो एरे का मीनिंग क्या होता है? वो एक खुद डेटा टाइप से, पर कौन सी लेवल का डेटा टाइप से मैं आपको समझाता हूँ। अभी समझ में आया? तो एरे क्या है एक्चुअली? एक डेटा टाइप से जिसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। मेंटेन द मार्क्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट, मेंटेन द कॉस्ट ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट अबाउट सुपर मार्केट, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, मेंटेन द हाइट एंड विड्थ ऑफ ईच एंड स्टूडेंट। अभी समझ जाए, ये सब रिकॉर्ड है ना, वो बल्क में होता है, एक दो नहीं होता। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, सुपरमार्केट में, सुपरमार्केट के अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट है, स्टूडेंट के अंदर कितने सारे क्लास के अंदर स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए हम क्या देते हैं क्लास के अंदर, रोल नंबर 1, 2, 3 इजीली मैनेज कर सकते हैं, ओके। सुपरमार्केट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए क्या कर देते हैं, अब बिलिंग कर दो तो क्या होता है, उसके ऊपर बारकोड स्टिकर या QR स्टिकर मेंटेन करते हैं, जब बिल करवाते हो तो उसको स्कैन करके हम इजीली काम करें। इसके बाद लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय में क्या दिया जाता है उसको, ओके। आपके पास सबके पास क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ओके। और स्टूडेंट के मेंटेन हाइट एंड विड्थ, ये सब रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर कौन सा डेटा टाइप हम लर्न कर रहे हैं, एरे, ओके। अभी यहाँ पे और भी पॉइंट्स ये समझना है, अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना एक एक पॉइंट्स, इसके बाद मैं आपको ट्रैक पे ला सकता हूँ, ओके। मुझको टोटल 5 स्टूडेंट का मार्क्स स्टूडेंट का डालना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 3, जैसे हमने इंटीजर किया मार्क्स 3, मार्क्स 4 एंड 5, ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट होने चाहिए? 59, टोटल कितना हुआ? 16, टोटल 60 हुआ, ये 0 से स्टार्ट किया है ना, तो उसके अंदर ए ऐसा लिखने जाएंगे तो कितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ, उससे बेटर मैं ऐसा ही लिख दूंगा डायरेक्टली इंटीजर मार्क्स 56, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है एरे। ये आपको मार्क्स 0, 1, 2 इतना सारा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, ये इतना सारा 3 डिक्लेयर करो पहले, इंटीजर है मैंने डिक्लेयर किया उसको, उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन की, उसकी जगह पे मैं सिंपल इंटीजर एक्स लिख दूंगा, तो इंटीजर जितने भी इंटीजर है 0, 1, 2 वो सब क्या बन जाता है, इंटीजर बनेगा। तीनों तीन का नाम क्या है, एक्स 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 ही है, बट उसकी इंडेक्स वैल्यू अलग है,
और उसके एक ही लाइन में हमने वैल्यू भी स्टोर कर दिया, जिसे हमारा प्रोग्राम याद लेस रखना पड़ेगा और हमको वेरिएबल का नाम भी कम याद रखना पड़ता है। ओके समझाता हूँ। ओके अच्छी तरह समझना, आपको समझ में आने लगेगा। आपके क्लास के अंदर आपके टीचर्स को सब कुछ मैनेज करने के लिए रोल नंबर इजी है या आपका नाम इजी है? रोल नंबर रोल नंबर इजी है। रोल नंबर वन तो ऑन द स्पॉट मिल, हाँ सही, यस प्रेजेंट है। इसके बाद बोर्ड के अंदर सप्लीमेंट्री चेक करते हैं या कॉलेज के अंदर ये सप्लीमेंट्री चेक किया जाता है, तो आपका नाम से नहीं होता है, आपके एनरोल नंबर से सब चेक किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर इसके लिए दिया जाता है, पर ये नंबर हम देने वाले नहीं है। हमको तो इतना ही लिखना है, इंटीजर X3 इक्वल टू 10, 20, 30, खत्म, हमारा काम खत्म हो जाता है। ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये समझ लेता है भाई X0 की वैल्यू क्या होगी, 10, X1 की वैल्यू क्या होगी, 20, X2 की वैल्यू क्या होगी, 30। देखो मैं डेप्थ में एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड पूरा प्रॉपर, अदरवाइज सर हमारे रेफरेंस बुक के हिसाब से हम देखें उसके अंदर फर्स्ट लाइन में क्या लिख दिया है, वी हैव यूज ओनली बेसिक डेटा टाइप, जो ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। ओके ये पेज फर्स्ट में आपको समझाने के लिए इतना डेप्थ में जा रहे हैं। अभी देखो ऑलवेज मार्क्स है ना, एरे के अंदर जो उसके नंबरिंग स्टार्ट होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बोला था भाई, कंप्यूटर के अंदर ऑलवेज नंबर स्टार्ट होता है 0 से, वो डेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्सा हो। ऑक्टल के अंदर कितने डिजिट होता है बोलो अभी? 8 वेरी गुड, ऑक्टल के अंदर कितना होना चाहिए, ऑक्टल तो 8। स्टार्ट कहां से होता है, 0 to, बोलो 0 to 8 0 to 7, 7 सॉरी 7 सॉरी टोटल कितना आता है, 8। एट डेसिमल में कितना होता है, टेन 0 to 9, नाइन 0 to 9, तो टोटल कितना होता है, 10 10। इसके बाद हेक्साडेसिमल में, जीरो टू नाइन 0 to 9, और दूसरा कौन सा होता है याद है आपको, A to F, टोटल कितना होता है, बोलो नहीं समझ में आ रहा आपको, वॉइस आ रहा है प्रॉपर? यस सर यस या नो? यस ओके यस सर हाँ, ऑक्टल के अंदर 0 to 7 टोटल 8, डेसिमल के अंदर 0 to 9 टोटल 10, टेन हेक्सा के अंदर 0 to 9 और ए सिक्सटीन टू एफ टोटल क्या होता है, ए बी सिक्सटीन सी डी ई एफ 16 होता है ना। ओके सेम ये सब इस एरे के अंदर भी ऑलवेज जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। मैं आपको बोलूं आपके टोटल 16 के रेकॉर्ड एंटर करना है तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 1 जीरो से2 3 से लेके कहाँ तक जाओगे, 59 तक। ए ओके ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, एरे का कंसेप्ट। ओके ये मैं आपको एरे एरे के रूल समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं, दोनों प्रॉपर वे में ध्यान रखना। अभी का नेक्स्ट जो सेमेस्टर के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं उसके अंदर एरे समझ में आएगा तभी आपको नेक्स्ट, ऐसे एक एरे नहीं है, पॉइंटर लर्न करना है, स्ट्रक्चर लर्न करना है, यूनियन लर्न करना है और स्ट्रक करके भी एक पॉइंट्स है, ये सब कुछ पॉइंट सी के अंदर हमको लर्न करना है। और सबसे इजी और बेसिक डिराइव डेटा टाइप से एरे, ये सब कुछ हम क्यों करते हैं, प्रोग्राम की साइज लेस करने के लिए। तो देखो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू यही समझाने, देखो ये 6 लाइन का मैंने आपको पहले समझाया था, उसको मैंने 2 लाइन में कन्वर्ट किया, 2 लाइन के अंदर देखोगे तो इतना साइज, इसको भी लेस करने के लिए इतना ही है, हम प्रोग्राम की साइज अभी लेस करते जाएंगे। आपको फ्यूचर में C++, जावा या पाइथन सीखना हो तो स्टूडेंट ये सब कंसेप्ट के बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा। आप सबको ऐसा लग रहा है ठीक है लॉकडाउन के अंदर आपको जलसे पे, एक्चुअली वो जलसे नहीं है,
आपका जो बेस है वो बिल्ड नहीं होगा, आपको फ्यूचर में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप ध्यान रखना, कहीं स्टूडेंट की अभी भी क्वेरी आ रही है। ओके चलिए, अभी देखो एरे के रूल्स क्या है, वन बाय वन रीड करो प्लीज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट हैव अ सेम डेटा टाइप्स। आपको डिस्प्ले हो रहा है, विजिबल हो रहा है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। ओके, तो यहां पे सेम डेटा टाइप्स है कि नहीं है? देखो तो इंटीजर 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 है कि नहीं? ये मैंने नहीं एक्चुअली लिख लिया, मैंने तो एक ही बार लिखा, ये ऑटोमेटिक इंटीजर बन गया। ओके, दूसरा क्या रूल्स उसने बोला? इट इज अ फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट। उसकी सिक्वेंस भी है ना, क्या सिक्वेंस है? फिक्स साइज है भाई, इंटीजर की साइज कितनी है? आप अभी जस्ट आपने बोला था कितना है, 4 बाइट, राइट? 4 बाइट है इंटीजर की। तो ये सब की एक्स जीरो की साइज भी क्या हुई, 4 बाइट, एक्स वन भी क्या हुई, 4 बाइट, एक्स टू भी की क्या हुआ, 4 बाइट। ओके, दूसरा देखते हैं, द एलिमेंट ऑफ द एरे इज एक्सेसिंग बाय द इंडेक्स नंबर। ओके, इसमें मैं इसको 10 को एक्सेस करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स जीरो को मैं बुलाऊंगा, ऑटोमेटिक 10 आएगा। मैं 30 को बुलाना चाहता हूं तो मैं एक्स टू को बुलाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो होता है उसको किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज ऑल्सो नाउ एज अ सबस्क्रिप्ट, और आपको कंपलसरी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और ये यहाँ पे देखना है, इंडेक्स नंबर है ना ऑलवेज इंटीजर में आता है। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही। ओके, और जो सिक्वेंस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। स्टूडेंट इस, हाँ ये पॉइंट अभी तक मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा था ना, ये सब पॉइंट्स था। ये 5 पॉइंट एरे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अंदर 110% आपको आएगा क्वेश्चन बना के, 1 मार्क्स में या 2 टाइप्स में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको मुझको नोट्स लिख के मुझको व्हाट्सएप कर देना है। रेडी? यस सर। दोनों ने कर दिया? अवेलेबल हो? नोट बनानी है सर। नोट्स? यस, नोट्स मींस व्हाट? बस इतने ही, जो मैं हाईलाइट करो इतना आपको पॉइंट्स नोट डाउन करना है। ओके, बाद में नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर दूंगा एरे का। ओके सर। ओके, यस, तो मैं आपको थ्योरी जो समझाना चाहता हूँ उसका प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर एरे के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ द एरे, तो ये क्या था, एरे का रूल्स था। तो टोटल कितने टाइप्स के हैं, 2, एक सिंगल या 1 डायमेंशनल, और सेकंड कौन सा है, मल्टी डायमेंशनल। ओके, आपको पूछे एरे के टाइप कितने हैं, 2, कौन सा कौन सा, तो हम बोल सकते हैं 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपल 2 डायमेंशनल, वो एक से ज्यादा ब्रैकेट हो। और दूसरा जो आपको एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन लेस करने के लिए क्या कर देता हूँ, MD, 1 डायमेंशनल, उसके अंदर एक ब्रैकेट आता है, ध्यान रखना। अभी अभी दूसरा में एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट कितने आएगा, सिंगल आएगा। 2D के अंदर कितने ब्रैकेट आएंगे, 2 ब्रैकेट आएंगे। इसके लिए वो समझा, मल्टी डायमेंशनल के अंदर मिनिमम 2 आता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है। अभी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं होगा, फ्यूचर में आप रियल लाइफ में कॉलेज के प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, ओके, तो इसके अंदर ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, इतना माइंड में सेट हुआ। आपको पूछे एरे टाइप कितना है सी लैंग्वेज के अंदर, आंसर क्या आना चाहिए, 2, 3, मेजर 2 होता है आपके रेफर। ओके, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ये तो मल्टी डायमेंशनल में क्या है, फ्यूचर में जो आप लैंग्वेज लर्न करने वाले हो उसके हिसाब से। ओके, तो सी लैंग्वेज के अंदर मल्टी डायमेंशनल के अंदर ही वो 2D को कंसिडर कर लिया है, तो ये दोनों को हम एक समझते हैं अभी के लिए, और ये एक सेपरेट है। तो मेजर उसके टाइप्स आते हैं फर्स्ट, उसको उसको सेकंड में कंसिडर कर दिया है।
ओके चलो यहां तक आई थिंक आपको थोड़ा कंफ्यूजन ही होगा। अभी हम देखते हैं सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके कोई भी एरे के अंदर काम करने से पहले अभी देखो यहां पे आपको समझाता हूं। सिंगल डायमेंशनल एरे में बी वन एंड मोर रो एंड कॉलम, एक रो या इससे ज्यादा नहीं हो सकता, पर जब मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है एक से ज्यादा रो एंड कॉलम आ सकती है। एक उसके बाद जो दूसरा है टू डायमेंशनल के अंदर हमारे यहाँ पे ओके क्लैरिफाई नहीं किया। हम अभी देखो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल के डिस्कशन नहीं करेंगे, किसकी डिस्कशन करेंगे, वन एंड टू डायमेंशनल, समझ में आया। पर एक्चुअली वो टू डायमेंशनल वो मल्टी डायमेंशनल के अंदर एडेड है, जो फ्यूचर में आप पाइथन या सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज लर्न करोगे वहां पर भी 2D तक ही जाना है, पर वो मल्टी डायमेंशनल को अलग कर देता है। जैसे जावा है वो मल्टी डायमेंशनल को सपोर्ट नहीं करता। ओके अभी देखो आपको पूछे जाते हैं डिक्लेरेशन द सिंगल एरे। अभी सिंगल एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इंटीजर टाइप्स एरे नेम एंड साइज, ये सिंटेक्स देखना। डेटा टाइप्स कौन सा है हमारा, तो आपको मैंने बोला भाई इंटीजर आ सकता है, कैरेक्टर आ सकता है, एरे का नाम क्या है, तो जो भी आपको नाम लिखना है वो एरे का नाम आप ले सकते हो। साइज क्या है, तो मिनिमम 0 से ज्यादा आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ये मैंने इंटीजर क्या है बोलो, तो ये इंटीजर क्या है, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा, सॉरी, ओके, हाँ डेटा टाइप। ओके तो ये एक्स क्या है, एरे नेम हुआ, और ब्रेकेट के अंदर जो हमने लिखा है वो क्या है, साइज। साइज अभी समझ में आया आपको ये जो पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। यस सर। ओके थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, ये इंटीजर, ये एरे का नाम, और मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन ही सब कुछ प्रॉपर वे में ग्राफ के थ्रू, और ये 3 है साइज है। ओके तो ये उसकी सिंटेक्स जो भी आपको वन डायमेंशनल की समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दे रहा था वो किसका एग्जांपल की ट्राई कर रहा था, डायरेक्टली मैंने समझाने के लिए आपको वन डायमेंशनल यूज कर लिया। ओके जो ग्रीन कलर के अंदर है, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। अभी देखो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखता हूं इंटीजर मार्क्स 60, तो इंटीजर ए डेटा टाइप्स है, एरे का नाम क्या है, मार्क्स है, और साइज कितनी है 60, पर वो एक्चुअली स्टार्ट कहां से करता है, 0 से लेके 59 तक, टोटल कितना हुआ 60 हो गया, समझ में आया आपको। यस सर। ओके डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लॉट आ सकता है या डबल आ सकता है, पर ये सब डेटा टाइप्स है, पर जब ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, एरे साइज, साइज है। एरे ओके ये कंसेप्ट है एरे, और एरे में भी कौन सा है, वन टाइम वन डायमेंशनल हम यूज कर रहे हैं। अभी देखो कैरेक्टर है तो इसके अंदर आप 20 कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हो, फ्लॉट है तो कितने परसेंटेज आप ऐसे 20% आप टाइप कर सकते हो, नंबर है तो कितने 20, पर ये सब की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा, 0 to लेके 19 तक जा सकता, उसके बाद अलाउड नहीं है। ये इन केस एरे नहीं होता तो आपको लॉन्ग प्रोसेस करनी पड़ती और जो आपके लिए डिफिकल्ट है। ओके चले नेक्स्ट, एरे की वैल्यू हम टू मेथड से असाइन कर सकते हैं, असाइनिंग द वैल्यू फ्रॉम द सिंगल। मैंने जो आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट समझते जाना, इसका पूरा रिवीजन वापस नेक्स्ट सेशन में करेंगे तो और भी समझ में आने लगेगा। ओके कंपाइल टाइम, एरे इनिशियलाइज एंड रन टाइम, मैंने इसके लिए आपको पहले ही समझाया था सेमेस्टर 1 के अंदर, दूसरे सब्जेक्ट सब चेंज हो जाएंगे पर सी लैंग्वेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके कल परसों वापस स्टूडेंट की क्वेरी आए आपके कॉलेज में से, पीपी सोनू में से, बीएससीआईटी के अंदर भी वो बच्चे का फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो सेमेस्टर 1 के अंदर प्रमोट करके पास हो जाएंगे, सेमेस्टर 2 में भी प्रमोट करके पास हो जाओगे, सेमेस्टर 3rd, 4th, 5th, 6th में कहाँ जाओगे। ओके तो ये सब का यहाँ पे, तो अभी आप फंडामेंटल आईटी फील्ड के अंदर आए हो तो ये सब बेसिक फंडामेंटल है।
अभी देखो कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों में क्या डिफरेंट है, पहले हम कंपाइल टाइम की बात कर रहे हैं। कंपाइल टाइम के अंदर डायरेक्टली ऐसे हम लिख देते थे इंटीजर डेटा टाइप्स एरे नेम एंड साइज, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, कंपाइल टाइम। मैंने किसे एरे डिक्लेयर किया था, अभी देखो तो कंपाइल टाइम, मैंने साइज की विक्स वैल्यू क्या असाइन कर दी थी। इन केस मुझको इसके जगह पे ऐसा नहीं लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं इंटीजर एक्स लिख सकता हूँ, पहले एक्स ब्रेकेट के अंदर 3 लिखता हूँ, पर उसकी वैल्यू मैं असाइन नहीं करना चाहता, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी थी। तो ये कौन सा टाइम है, कौन सी कैटेगरी में आता है, कंपाइल टाइम। ओके कंपाइलर समझ में आया आपको ये। तो यहाँ पे देखो जैसे डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, एरे का नाम क्या है, मार्क्स, साइज क्या है, 5, और ये ब्रेकेट के अंदर जो वैल्यू लिखा है कॉमा करके है, वो सब क्या है, वैल्यू है। तो अभी मुझको ये समझाओ, आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, 100 में से ज्यादा नहीं पर एटलीस्ट 50% तो समझ में आ गया होगा मैं क्या आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूँ। अभी देखो यहाँ पे 60 मैंने लिखा, पर उसकी इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 5 लिखा है ना, पर स्टार्ट कहाँ होगा, 60 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, मार्क्स जीरो 0, मार्क्स 1, वन मार्क्स 2, टू मार्क्स 3 थ्री एंड मार्क्स 4, फोर टोटल कितना हो गया, 5 5 हो गया। अभी समझ में आया आपको एरे। ओके यस सर और स्टूडेंट आपको, आप बोल रहे थे सर मेरे सिलेबस में एरे नहीं है, वो आपके सिलेबस में अभी एरे सेमेस्टर 1 के अंदर नहीं था, अब तो होगा ना, तो हमने थोड़ा एडवांस में सर इसके लिए मैंने स्टडी करवा लिया था जिससे आपको अभी बेनिफिट मिल रहा है। ओके तो जो आंसर आप दे रहे हो ना उसका मेन रीजन यही है। तो मैं ऑलवेज कॉलेज से एक स्टेप आपको एडवांस में स्टडी करवाने की ट्राई करूंगा जिससे आप अपने प्रोफेसर को या टीचर्स को वहां पे इजीली क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, अपनी अच्छी इंप्रेशन बना सकते हो कॉलेज के अंदर। ओके चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं, यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलो, नो सर थोड़ा भी नहीं, नहीं? नो ओके चलिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आपने समझा है, देखो दो मेथड से कर सकते हैं, इंटीजर मार्क्स 5 लिख के आप उसके अंदर रिमेनिंग 3 डाल सकते हो, ये भी राइट है क्योंकि अभी अभी भी आपके पास स्पेस ज्यादा बची है। कौन सी स्पेस बची है, थर्ड एंड फोर्थ की, वो चलेगा, स्पेस कम होगा तो चलेगा, उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 कर देगा, पर आप आपकी साइज फिक्स नहीं है और उसके अंदर ऐसे डाल सकते हो, ये भी राइट है। समझाता हूँ, मैं एक मूवी टिकट का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, ओके, और मुझको मालूम है हर रोज इतनी टिकट बुक हो ही जाएगी, नहीं हो सकती है, बुक हो भी जाए ना भी हो, और होगी तो कौन सी सीट रिजर्व होगी, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, नो, वैलेंटाइन होगा तो हो सकता है सब मैक्सिमम स्टूडेंट कॉलेज वाले होते वो टिकट बुक कर लेते हैं, और नॉर्मल डेज के अंदर वो सब नहीं आएगा। तो इसके जैसा है, जहां साइज फिक्स लिखना हो तो वहां पे ब्रेकेट के अंदर फिक्स लिख सकते हो, जहां फिक्स नहीं है तो ब्रेकेट को आप एम्प्टी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया आपको, यस सर ये ऑप्शनल है, साइज लिखना कंपलसरी नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड के अंदर यही समझाने की ट्राई कर रहा हूं, आप यहाँ पे इनके 3 नहीं लिखते तो भी ये राइट ही था, वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वैल्यू को लिख दे, पर मैं आपको थ्योरी समझाने के लिए मैंने उसकी साइज क्या रख दी है, 3 है। इसके अंदर कोई क्वेरी, अभी नो सर थोड़ा भी नहीं। नो ओके चलिए नेक्स्ट, अभी ये प्रोग्राम हमको वन बाय वन समझना पड़ेगा, पर प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे, आज मैं ओनली फॉर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, उसके बाद ही क्लैरिफाई। ओके ये कौन से टाइप का एरे है बोलो दो, वन डायमेंशनल, साइज कितनी है, वन डायमेंशनल है 5, फाइव बस इतने ही समझो, ओके इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अभी रन टाइम एरर, अरे सॉरी रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन, मैं वैल्यू पहले से एडवांस में फिक्स नहीं रखता, मैं बाद में वैल्यू डालना चाहता हूँ। जैसे मैंने साइज 5 तो रख दी, पर ये वैल्यू कौन सी है वो हमारे लिए अभी क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, रन टाइम रन टाइम एरे वैल्यू, जिसे हम
जिसे कई कॉलेज के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू वैल्यू डालना बोलते हैं। ओके, जैसे कहीं मैंने आपको पहले बोला था सर हमारे वहां पे स्कैनफ यूज करना कंपलसरी है, तो स्कैनफ यूज करना मीन्स व्हाट? रन टाइम। आप स्कैनफ यूज नहीं करते हो तो क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली वैल्यू भी असाइन करना हो तो असाइन कर सकते हो। क्लियर है इतना? सर। दोनों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आपका वॉइस नहीं आ रहा है रिद्धि नहीं है सर, क्या? नहीं है कब की निकल गई वो तो। ऐसा है? ओके, चलो डोंट वरी। तो ये वो उसका मेन यूज। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रिंग एज ए कैरेक्टर एरे। अब इसके अंदर भी आपको सिंगल ब्लॉक का ही यूज करना है और वन बाय वन पॉइंट क्लैरिफाई करना है। देखिए मैं कैरेक्टर का डेटा टाइप यूज करना चाहता हूँ, जैसे कैरेक्टर स्टूडेंट नेम एंड 20। तो आपको स्टूडेंट नेम कितने तक अलाउड कर सकते हो? 20 तक अलाउड कर सकते हो। कैरेक्टर सिटी उसके अंदर भी आप कितने तक अलाउड कर सकते हो? 50 50 तक। तक, और यहाँ पे 20 तक। और उसके अंदर भी आपको मैंने जो समझाना चाहता था 0 to 19 तक, 0 to 59, 49 सॉरी 49, और 0 to 19। 19 ओके, ये पॉइंट्स आपके क्लियर। और जहां भी एंड होता है कैरेक्टर का, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे एंड करने के लिए इसको बोलते हैं नल। कौन सा कैरेक्टर बोला जाता है? नल नल। कैरेक्टर, ये सिंबल है। और कौन सा स्लैश है, बैकवर्ड की फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड है, इसके लिए उन्हें बैकवर्ड कैरेक्टर एन यूज करते थे, बैकवर्ड कैरेक्टर टी यूज करते थे, याद है आपको? यस। ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स क्लैरिफाई हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 6। ओके, और क्या नाम लिखा है? पूर्व। कितने कैरेक्टर है उसके अंदर? फाइव। 5 है। आपने क्या लिखा है? कैरेक्टर स्टूडेंट नेम। तो कैरेक्टर डेटा टाइप से एरे का नाम है स्टूडेंट नेम, और 6 उसकी साइज है। ओके, और पूर्व लिखा सेम यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे देखो जानबूझ के मैंने सिंगल कोट में लिखा है, ये दोनों राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट आपकी साइज फिक्स नहीं है। जैसे मैं गुजरात लिखता हूँ पूरा, और लास्ट में देखो एंड में नल किया हुआ है, दिख रहा है आपको? नल कैरेक्टर को भी आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, जब डिस्प्ले करने के लिए, तो हमने लर्न किया था कोई भी कैरेक्टर को डिस्प्ले करना हो तो एस लिखना है। एस का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिंग। और सी का मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टर। ओके, यस सर। यहां से मल्टी डायमेंशनल स्टडी करें, मिस स्टडी स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। तो यहां तक आपको कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको थोड़ा सा पीपीटी के अंदर भी पॉइंट्स क्लैरिफाई करवा दूं, जिससे समझ में आने लगेगा आपको। वन डायमेंशनल के अंदर अभी जो हम स्टडी करने के आना चाहिए, ओके, एक वन डायमेंशनल एंड 2D दोनों के अंदर, और लास्ट में पॉइंट 2D में। बाद में अभी जो मैं आपको इंट्रो करवाता हूँ, वो स्ट्रिंग के बारे में इंट्रो करवाने की ट्राई करा था। वन डायमेंशनल का दूसरा, जैसे देखो मैंने आपको पहले ही बोला था एरे है ना, वो कैसा डेटा टाइप से है, कैसे अरे है? होमोजीनियस डेटा टाइप से, सेम डेटा टाइप। होमोजीनियस के मीनिंग क्या होता है? सेम। सेम जैसे डेटा टाइप। इंटीजर है तो पूरा इंटीजर होता है, और इसमें कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। ओके, एरे के अंदर वेक्टर, मैट्रिक्स और मल्टी डायमेंशनल ऐसे भी बोला जा सकता है। वन वेक्टर का दूसरा नाम है 1D, वेक्टर का क्या है? 2D। अभी समझ में आया आपको? 1D यस बोलो सर। या वेक्टर बोलो, बोथ आर सेम। मैट्रिक्स बोलो या 2D बोलो, बोथ आर सेम। ओके, देखो नेक्स्ट देखो, वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल, ओके, मैट्रिक इज अ टू डायमेंशनल। प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक प्रॉपर एक नोट्स बनाना। मैं आपको बोलूं वेक्टर नाम का प्रोग्राम बनाना, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वन डायमेंशनल। मैट्रिक का दूसरा नाम क्या है बोलो? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। अभी देखो यहाँ पे सेम है, सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म द सेम।
उसके अंदर जो डेटा मेमोरी स्टोर होता है ना, वो सिमिलर टाइप्स होता है। जैसे पूरा प्रोग्राम था इंटीजर, तो सब इंटीजर ही होता है, फ्लॉट तो पूरा फ्लॉट होता है, और कैरेक्टर तो पूरा कैरेक्टर होता है। और जो मेमोरी स्टोरेज होती है ना, वो कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। क्यों कंटिन्यूस होता है, 0, 1, 2, 3, 4, बीच में ब्रेक नहीं लगा सकता है, 2 के बाद डायरेक्टली 4 नहीं आ सकता, समझ में आया। यस सर, और जो भी वैल्यू डालते हैं उसके इंडेक्स वैल्यू, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्चुअली है क्या, उसकी इंडेक्स वैल्यू है, वो इंडेक्स टाइप है। और वो मेमोरी कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूज होनी चाहिए, ओके। ये वो इसका नॉर्मल यूज। अभी देखो आपको ये भी एरे डिक्लेयर करने के टोटल दो ऑप्शन है, डिक्लेयर द एरे ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट द एरे ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझ क्लैरिफाई करते हैं। देखो एरे इन सी, ओके, ये बॉक्स है ना, उसकी इंडेक्स वैल्यू है, उसके अंदर वैल्यू कोई भी आ सकता है, 1 आ सकता है, कैपिटल ए आ सकता है, स्मॉल ए आ सकता है, 10.10 आ सकता है, पर उसका इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज इंटीजर में होना चाहिए, और स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, और कंटिन्यूज होता है। समझ में आ रहा है आपको, तो हाँ ये ग्राफ के थ्रू समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ये एरे का नाम है, ये एरे का साइज है, जो ऑलवेज इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है, ओके। तो वन डायमेंशनल एरे का दूसरा नाम क्या है, उसको 1D भी बोला जाता है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर। जैसे आप मार्क्स 5 लिखते हो, आप क्या लिखते हो, मार्क्स 5, तो वो कैसे स्टार्ट होता है, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड मार्क्स 4, ऐसे इंडिकेट करता है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ पे पूरा प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, हम इसको डबल डबल अलग अलग स्ट्रक्चर से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसके बाद ही यहाँ पे हमको क्लैरिफाई कर पॉइंट्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी नहीं है, नो सर, ओके। तो आपको जितना भी कंसेप्ट सी, सी प्लस प्लस और जावा के अंदर जब स्टडी करना हो, या फ्यूचर में पाइथन सीखना हो, कंपलसरी आपको एरे तो सीखना ही पड़ेगा, ओके। तो फास्ट प्रोग्राम क्वेरी, एरे कितने टाइप के एरे हैं बोलो, तो आंसर क्या टू आना चाहिए, टाइप के, टू, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल अभी मल्टी डायमेंशनल के अंदर, सी के अंदर कंसीडर करना है, राइट है। यस सर, एरे के अंदर वैल्यू कितनी वैसे दे सकते हैं, एक कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। रन टाइम कंपाइल टाइम के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू फिक्स कर दे देना है, फिक्स करनी है, और रन रन टाइम टाइम के अंदर में वैल्यू फिक्स नहीं करना है, जो हम उसके लिए हम फोर लूप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। फॉर लूप। तो आज के ये सेशन के अंदर ओनली एंड ओनली फॉर मैं इंट्रो करवा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट सेशन के मल्टी डायमेंशनल में स्टडी का पॉइंट्स लर्न करेंगे।